This word is very relevant to all of us because physically we all seem to have grown up. शरीरों को देखें तो दिखाई देगा कि सब adult man और woman बन चुके हैं. But what is maturity really? Maturity physically is about standing on your feet, and mentally is about having a mind that can see on its own. आप physically immature कहे जाओगे अगर खड़े होने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता है, और मेंटली इमेच्योर कहे जाओगे अगर आपकी जिंदगी किसी दूसरे पे लगातार डिपेंडेंट है. तो मैच्योरिटी का सीधा सीधा अर्थ है कि मैं निर्भर नहीं हूं, मैं गुलाम नहीं हूं. मैच्योरिटी का और कोई अर्थ नहीं है. मैच्योरिटी का अर्थ इतना ही है, आई एम इंटेलिजेंट, आई विल नॉट फॉलो ब्लाइंडली. Yes, for the first 10-12 years of my life, I was conditioned. But now, I am in a position to look at that conditioning and be free from it. यही maturity है. I have a healthy mind. यही maturity है. मेरे ख्याल से इससे बेहतर तरीके समझा नहीं जा सकता कि physically immature हो अगर किसी का सहारा लेके खड़े हो, और mentally भी immature हो अगर ज़िंदगी में भी सहारे की ज़रूरत है. और वो सहारों के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं. रिकग्निशन एक फॉर्म है कि तुम मुझे सैंक्शन दो, रिकग्निशन दो, मान्यता दो, तो मैं खुश हूँ, और नहीं दिया तो मैं कैसा हो जाता हूँ कि ओ माई गॉड ये क्या हो गया. तुमने कह दिया यू आर वंडरफुल तो मैं खुश हूँ, और तुम्ही ने अगर ये कह दिया कि यू आर स्टूपिड तो मेरी हालत ख़राब हो गई. ये मेंटल इमैच्योरिटी है. पर्सन और इंडिविजुअल वाला सवाल किसने पूछा था. तो कौन है मैच्योर, पर्सन की इंडिविजुअल. इंडिविजुअल. इंडिविजुअल क्यों मैच्योर है. इंडिविजुअल क्यों मैच्योर है. यस यस. इज द इंडिविजुअल मैच्योर फर्स्टली कंपेयर टू द पर्सन. नाउ व्हाई वुड वी कॉल द इंडिविजुअल मैच्योर एंड नॉट द पर्सन. अच्छा ये इट्स गुड दैट यू हैव यूज्ड दीज वर्ड्स. व्हाट डज इट मीन कि अपने अकॉर्डिंग करता. अपने अकॉर्डिंग करने क्या मतलब है. मनमर्जी करना. इज दैट व्हाट इज मेंट. अपने अकॉर्डिंग करना. लवली. ठीक है. इस भूल में मत रहना. ये कई बार हो जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, कि संवाद के बाद लोगों को लगता है कि मैसेज ये दिया था कि अपनी मस्ती में रहो और अपनी मर्जी का काम करो. बीइंग इंडिपेंडेंट ये नहीं है कि मैं अपनी ये उसकी बात नहीं हो रही है. ये वही है जस्ट एज ही सेड कि कंडीशनिंग का गुलाम नहीं हूं. अपनी करने का मतलब है अपनी इंटेलिजेंस की करना, अपनी समझ की करना. मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी डीप अंडरस्टैंडिंग से निकल रहा है. और अपनी है भी वही कंडीशनिंग. क्या तुम्हारी होती है. क्या कंडीशनिंग तुम्हारी होती है. अपनी मर्जी से कंडीशन हुए हो क्या. दो सेकंड का डिस्ट्रैक्शन पूरा सेंटेंस खा गया ना. अभी तक तुम सुन रहे थे, सिर्फ दो सेकंड का डिस्ट्रैक्शन हुआ और देखो पूरा सेंटेंस गायब हो गया. ऐसे ही होता है जिंदगी में. जैसे कि म्यूजिक चल रहा हो, चल रहा हो, चल रहा हो, और अचानक बीच में ब्रेक आ जाए. जैसे कि एक डोर बंधी हुई हो यहां से वहां तक, और अचानक बीच में कोई उसको काट दे. ऐसा ही होता है. थोड़ा सा डिस्टरबेंस सब गड़बड़ कर देता है. इंटेलिजेंस का मतलब है मैं बगल वाले को अपने को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा. I am my master. Nobody can disturb me without my permission. मेरा दिमाग डस्टबिन नहीं है कि उसमें कोई भी कुछ भी आके डाल दाएगा. ठीक है ना. यही हुई नहीं मैच्योरिटी. यही इंडिपेंडेंस है. यही फ्रीडम है. कि वैसे तो अगर कोई मेरे कुर्ते पे ज़रा सा दाग लगा दे तो मुझे बुरा लगे,
और मेरे मन पे रोज दाग लग रहे हैं और मुझे बुरा नहीं लगता। मेरे मन को दुनिया डस्टबिन की तरह यूज कर रही है और उस सारे कूड़े को मैंने अपनी आइडेंटिटी बना रखा है। ये क्या मैच्योरिटी है? इज दिस मैच्योरिटी कि मेरे दिमाग में बिलीव्स भर दी गई हैं दुनियादारी भर की, करियर के कुछ अर्थ दे दिए गए हैं मुझे, लाइफ के कुछ अर्थ दे दिए गए हैं, सक्सेस के कुछ अर्थ दे दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप के कुछ अर्थ दे दिए गए हैं, मनी के कुछ अर्थ दे दिए गए हैं और वो सारा कूड़ा मैं लेके घूम रहा हूं। क्या ये मैच्योरिटी है? इज दिस मैच्योरिटी? अगर मैं ये सब अपने मन में लेके घूम रहा हूं जो बचपन से डाल दिया गया तो क्या ये मैच्योरिटी है?